2022 में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में अंबिकापुर नगर निगम अभी से पूरे जी जान से जुट गया है। अंबिकापुर निगम आईटी वेस्ट सिस्टम पर काम कर रहा है। इसी के तहत निगम अब एक और नया प्रयोग करने जा रहा है। नगर निगम का स्वच्छता मॉडल और सफाई व्यवस्था दोनों की पूरी मॉनिटरिंग रोबोटिक होगी। तमाम व्यवस्थाओं को अब एक एप्लीकेशन में सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। बाकी की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी, जिसके बाद स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य की मॉनिटरिंग बेहद सख्त हो जाएगी। देखिए, अभी अंबिकापुर नगर निगम जो है 2022 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण होने वाला है उसके लिए पूरी तरह से जी जान से जुट गए हैं, और इसमें हम लोग जो आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है उस पे काम कर रहे हैं और जल्द ही हम उसको लॉन्च भी करेंगे। शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदियों को नगर निगम स्मार्टफोन या टैबलेट उपलब्ध कराएगा, जिसमें जीपीएस के माध्यम से रूट और कलेक्शन की संख्या क्यूआर कोड के माध्यम से दर्ज होगी। इसके लिए शहर के हर यूजर के घर या प्रतिष्ठानों में क्यूआर कोड लगाया जाएगा। स्वच्छता दीदी कचरा कलेक्शन के साथ ही अपने स्मार्टफोन से क्यूआर कोड स्कैन करेंगी। बेसिक जो स्वच्छ सर्वेक्षण के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डोर टू डोर कलेक्शन, स्वीपिंग, नाइट स्वीपिंग, डे स्वीपिंग, सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेन्स की क्लीनिंग, ये सारे कुछ जो चीज़ें हैं इनको जीपीएस प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेके आ रहे हैं, और इसकी जो मैपिंग का काम जो है वो हम लोगों ने चालू कर दिया है, और जो भी इसमें काम करने वाले लोग हैं उनको जो है उनको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। इस नए प्रयोग से उन लोगों को सहूलियत होगी जो स्वच्छता दीदियों के आने के समय पर सो कर नहीं उठ पाते थे, किसी अन्य वजह से अपना कचरा नहीं दे पाते हैं। ऐसे लोग इस एप्लीकेशन को ओपन कर उसमें नियरेस्ट कचरा गाड़ी सर्च कर पाएंगे और उसे सेलेक्ट करते ही स्वच्छता दीदी से फोन पर संपर्क कर सकेंगे और अपना कचरा दीदी को दे सकेंगे। इस मॉडल को नगर निगम ने 4 भागों में बांटा है। पहला, स्वच्छता दीदियों के माध्यम से कचरा कलेक्शन। दूसरा, रोड स्वीपिंग यूनिट। तीसरा, नाली साफ करने वाली टीम। और चौथा, मेडिकल वेस्ट कलेक्शन टीम। सफाई कर्मी एक स्मार्ट वॉच पहनेंगे जो जीपीएस युक्त होगी। शहर की सभी सड़कों और नालियों को जीपीएस मैप किया जा रहा है। एक ऐप का भी डिजाइन कर रहे हैं, ऐप के माध्यम से हम इसको पूरा का पूरा संचालित करेंगे, और हमारे डाटा सेंटर में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बना रहे हैं जो कि यूनिफाइड रहेगा, जिससे कि पूरे सिस्टम को मॉनिटर किया जा सकेगा। एक क्लिक में हमारे पास पूरा का पूरा डेटाबेस अवेलेबल रहेगा। शहर वासियों के सहयोग से ही अंबिकापुर स्वच्छता के क्षेत्र में मॉडल बन सका है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुले में कचरा फेंक देते हैं और शहर की पहचान और अनुशासन पर सवाल खड़ा कर देते हैं। कई सारे जीबीपी पॉइंट होते हैं या बहुत सारे ओपन प्लॉट्स होते हैं जिसमें कि पब्लिक के द्वारा कचरा फेंका जाता है, तो हम लोग कुछ हिडन कैमरा पूरे शहर में एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि इन सब चीज़ों को निगरानी किया जा सके, और कोई भी व्यक्ति, हालांकि पूरा शहर हमको इसमें सहयोग करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर इधर उधर सड़क पर कचरा फेंकते या ओपन प्लॉट में कचरा फेंकता है तो उसको हम इस मीडियम से उसकी निगरानी करेंगे और उसको समझाइश के साथ साथ जो भी पेनल्टी की कार्रवाई होती है वो पेनल्टी भी लगाएंगे। इसके साथ ही अब हाजिरी लगाकर घर में सोने वाले सफाई कर्मियों के बुरे दिन आने वाले हैं। इस पद्धति से ड्यूटी सख्त होगी। इतना ही नहीं, सफाई कर्मियों के सुपरवाइजर भी स्मार्ट वॉच पहनेंगे और वे अपने क्षेत्र के कार्य की रिपोर्टिंग इसी माध्यम से करेंगे। जो हमारे कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की उपस्थिति इंश्योर की जा सके, उनको जो टास्क दिया गया है वो टास्क समय सीमा में पूरा हो सके, इसके लिए जैसे जो हमारी स्वच्छता दीदियाँ हैं उनको डोर टू डोर कलेक्शन के लिए स्मार्ट मोबाइल या टैब उनको दिया जाएगा, जो हमारे स्वीपिंग के कर्मचारी हैं और जो ड्रेन क्लीनिंग के कर्मचारी हैं उनको स्मार्ट वॉच दिया जाएगा ताकि जीपीएस के माध्यम से हम उनकी निगरानी कर सकें। साथ ही साथ जो सुपरवाइजर हैं उन सुपरवाइजर्स को भी हम स्मार्ट मोबाइल या टैब दे रहे हैं ताकि बिफोर एंड आफ्टर की जहां पे भी क्लीनिंग हो रही है या सफाई का काम हो रहा है तो उसका बिफोर एंड आफ्टर का फोटोग्राफ्स लेके और वो हमारे पास सेंड करें
ताकि हम उसको देख के ये इंश्योर हो सके कि वहाँ पे जो काम था वो काम पूरा हो चुका है और अच्छे तरीके से पूरा हुआ है। 2015 से सॉलिड लिक्विड एंड वेस्ट मैनेजमेंट में बेहतर काम करने वाला अंबिकापुर निगम नित नए प्रयोग करता रहता है। इसी कड़ी में यहाँ शहर को गार्बेज फ्री बनाने के उद्देश्य से देश का पहला गार्बेज कैफे भी खोला गया, जिसकी चर्चा विश्व स्तर तक रही है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।